गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल कठोर ट्रिक। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट क्लियर करेंगे भारतवर्ष सब्सिडियरी अलायंस, सेकंड क्लियर करेंगे रूल्स दैट आर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश फॉर सब्सिडियरी अलायंस और थर्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो गाइज वीडियो पे बने रहना। तो चलिए गाइज हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट वाज सब्सिडियरी अलायंस। After the Battle of Buxar, English company adopted a new rule that names was subsidiary alliance, which made Indian ruler as like as puppet. It means king had no power. This rules had its own features that are. ए भाई English को छोड़ो, थोड़ा हिंदी में समझाओ। अच्छा हिंदी में भी समझाना है, समझाता हूँ। तो गाइज हिंदी में, तो गाइज जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, वही बैटल ऑफ बक्सर गाइज जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें मीर कासिम हार गए थे। उसके बाद गाइज इंग्लिश कंपनी ने एक रूल को अडॉप्ट किया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, जिसमें एक किंग पपेट की तरह बन जाता था। वही पपेट गाइज जिस जो कि दूसरे के इशारे पर काम करता है, वैसे ही किंग ब्रिटिश के इशारे पर ब्रिटिश के ऑर्डर पर काम करते थे। किंग के पास पावर नहीं होता था गाइज, इसके कुछ नियम और कायदे थे जिन्हें किंग को मानना पड़ता था। तो चलिए गाइज जब हम इसके नियम और कायदे को जानते हैं, तो गाइज जो सब्सिडियरी अलायंस का फर्स्ट रूल था वो रेसिडेंट वाज अलाउड इन कोर्ट, मतलब कि गाइज जो ब्रिटिश थे वो किंग कोर्ट में आ सकते थे, रह सकते थे। सब्सिडियरी अलायंस का सेकेंड रूल है गाइज जो वो है कि किंग कुड नॉट हायर हिज सोल्जर, इसका मतलब है कि किंग अपना प्राइवेट सोल्जर हायर नहीं कर सकता था। सब्सिडियरी अलायंस का जो थर्ड रूल है गाइज वो है किंग वाज प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश आर्मी, इसका मतलब है गाइज जो किंग थे वो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे। तो चलिए गाइज जब हम बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में, जो कि था किंग हैड टू पे फॉर ब्रिटिश आर्मी, किंग को गाइज ब्रिटिश आर्मी के लिए पैसा पे करना पड़ता था, मतलब कि गाइज जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था ब्रिटिश आर्मी को। और जो पांचवा रूल है गाइज वो था रेसिडेंट्स इंटरफेयरेड इन किंग डिसीजन, मतलब कि गाइज जो रेसिडेंट थे जो ब्रिटिश थे वो किंग के एक कोई भी डिसीजन में इंटरफेयर कर सकते थे, टांग अड़ा सकते थे। जैसे कि गाइज अगर किंग बोला कि नहीं हमें यह डिस्ट्रिक्ट से हमें कम रिवेन्यू कलेक्ट करना है तो नहीं, अगर ब्रिटिश कहे कि नहीं हमें इससे ज़्यादा कलेक्ट करना है तो किंग को वह मानना पड़ता था गाइज। सब्सिडियरी अलायंस का जो सिक्स्थ रूल है गाइज वो है सम टाइम रेसिडेंट डिसाइडेड हु वुड बी सक्सेसर, मतलब कि गाइज कभी कभी ब्रिटिश डिसाइडेड करते थे कि कौन होगा अगला सक्सेसर, किंग के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। सब्सिडियरी अलायंस का जो सेवेंथ रूल है वो है कि व्हेन किंग फेल्ड टू पे टैक्स टू ब्रिटिश किंग हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ टेरिटरी, मतलब कि गाइज अगर कभी किंग ब्रिटिश को टैक्स देने में फेल हो गए तब उन्हें उनके अपने एक टेरिटरी का एक पार्ट ब्रिटिश को देना पड़ता था। गाइज अगर आप एग्जाम में इस 7 पॉइंट को लिख देते हो और इसको डिफाइन को लिख देते हो जो मैंने बताया, तो आपको 10 out of 10 marks मिलेंगे। तो गाइज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।